Hello everyone, I am super excited today because I am gonna visit Puri for the very first time. Yes, Kolkata में रह के भी I am the one जिसने अभी तक Puri नहीं देखा होगा. तो सुबह सुबह मैं अपना हाथ जला ली थी हेयर स्ट्रेट करते वक्त. मेरे साथ तो ये होता है, कहीं पे जाने से पहले कुछ ना कुछ हरकत मैं कर ही लेती हूँ. और सबसे पहले ये कोलकाता से भुवनेश्वर गई थी और ट्रेन में, एंड देन भुवनेश्वर से पूरी मेरे दोस्त के कार में. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड. तो मैंने मेरा सफ़र स्टार्ट कर लिया था पूरी की फेमस दही बड़ा आलू दम खा के. बस मेरे रिव्यू जानने के लिए थोड़ा सा तो वेट बनता ही है. वैसे आप भी अगर पूरी जा रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो ज़रूर ट्राई करना दही बड़ा आलू दम. एंड जिसने भी ट्राई किया है गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा. आपको आलू दम अनलिमिटेड मिलेगा. मैंने दो बार ले लिया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था. द मेन पार्ट इज़ दे विल गिव यू दही पानी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड रिफ्रेशिंग होता है, एंड इट विल कीप योर बॉडी रिलैक्स इन दिस सुपर 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 ह्यूमिड क्लाइमेट. खा के हम वापस निकल गए. तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं वो तो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ वो एक मंदिर है एंड बाकी विल गेट टू नो, सो स्टे ट्यून. सो दिस बीच इज़ नोन एज चंद्रभागा बीच जो कि कोणार्क में है. मुझे बहुत ज़्यादा मन था गाइस इस बीच में जाने में और नहाने में, बट द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी था तो जस्ट वी स्किप इट. तो हम पहुँच गए थे कोणार्क टेम्पल. पहुँचने से पहले मेरे दोस्त को सनग्लास खरीदना था तो हम लोकल मार्केट से ही खरीद लिए थे सनग्लास. मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ के लोकल मार्केट में, एक हैंडमेड बैग्स और सन हैट. आप चाहो तो आप डेफिनेटली शॉपिंग कर सकते हो. फिर हम अंदर गए, वी गॉट दिस टिकट काउंटर. तो नॉन इंडियंस के लिए तो गाइस कुछ ज़्यादा से भी ज़्यादा प्राइजेस है, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बट हाँ इंडियंस के लिए इट्स जस्ट 40 रुपीज़ पर हेड. पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे कि ये जगह मुझे कैसा लगा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसे आर्किटेक्चरल प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोटोशूट के लिए तो बढ़िया होता है. मैंने तो उस दिन फ़ोटोशूट भी किया था क्योंकि मुझे जगह बहुत अच्छा लगा है. स्ट्रक्चर इज़ सुपर गुड टू सी एंड टू वॉक अराउंड. यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैं भी अपना फ़ोटोशूट कर लिया था. बहुत एंजॉय कर रही थी, लोगों को देख रही थी, एंड उस दिन सबसे बड़ी बात होली था. तो होली के दिन हम लोग निकले थे पूरी घूमने एंड मैंने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है. आगे जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी भी. वहाँ
इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी था ना गाइस, तो मैं बाहर निकलते ही मुझे नींबू पानी पीने की बहुत ज्यादा मन कर गया था। मैंने विजिट किया है पूरी मार्च एंड में, बट ड्यू टू द ह्यूमिडिटी ना इट फील्स लाइक मई जून टाइम। इफ यू वॉन्ट टू विजिट पूरी आई विल सजेस्ट फेब्रुवरी और नवम्बर वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल। ऑल्सो अगर आपको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आप जुलाई या अगस्त में जा सकते हो। सबसे फनी फैक्ट ये था कि पुरी में उस दिन होली चल रहा था, तो थोड़ा सा भी भीड़ नहीं था रास्ते में, कहीं पे भी मंदिर में भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो रास्ते पे मुझे ये कैफ़े दिखा था एंड हम लोग खाने चले गए थे यहाँ पे। सो द व्यू वाज ऑसम फ्रॉम दिस कैफ़े, और ये बहुत ज़्यादा डिसेंट है। नॉर्मल फूड ही मिलते हैं यहाँ पे, पास्ता बर्गर ये सब चीज़ें मिलते हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हो आप भी। सनसेट के टाइम में ये बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से व्यू। तो हम पहुंच गए हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर में, जिसका हमें इतने टाइम से इंतज़ार था। तो हमें पहले जगन्नाथ मंदिर ही जाना था, पर पता चला था कि महाप्रसाद हमें शाम को मिलेगा। तो महाप्रसाद होता है भोग, जो पूजा के बाद भगवान को देते हैं एंड देन सबको मिलती है। तो गाइस, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, चप्पल ये सब अलाउड नहीं है, तो बेटर है कि आप कार में रख के जाओ या फिर दुकान में अपने फ़ोन और जूता सबमिट कर दो। तो दुकान में जस्ट 30 रुपीज़ ही लेते हैं, और हम लाइन में लग गए थे। बहुत लंबा लाइन था, 1 घंटा कम से कम लगा हमें, फिर फाइनली हम मतलब दर्शन कर पाए थे। फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, जो फ्लैग लगा हुआ होता है ना मंदिर के ऊपर, वो हमेशा हवा के उल्टे डायरेक्शन में उड़ता है। मैंने पहले बहुत बार सुना तो था, बट ये पहली बार मैंने आँखों से एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली। और हर रोज़ ये जो फ्लैग है ये चेंज होता है, और धुला हुआ साफ़ सुथरा फ्लैग लगाया जाते हैं हर रोज़। हम जिस दिन जिस टाइम पर गए थे ना, उस टाइम पर वो फ्लैग चेंज भी कर रहे थे, मतलब वो लगा रहे थे, जो फ्रेश फ्लैग है वो लगा रहे। मंदिर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, जैसे कि लक्ष्मी माता की, शिव जी की, गणेश जी की, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है जो कि हमने दर्शन किए हैं। मतलब कम से कम आपको 30-40 से भी ज़्यादा भगवान के मंदिर मिलेगा अंदर। फिर हम महाप्रसाद खाए, और उसमें महाप्रसाद में मिलती है मीठा चावल, खिचड़ी, साग, मिक्स वेजिटेबल्स। ये हम मंदिर में ही नीचे बैठ के खाए थे, और ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने घर के लिए प्रसाद भी ले लिया था और हम निकल गए, तब तक शाम हो चुका था। आई वॉज सो लकी कि उस दिन फुल मून था, तो मैं एक अच्छे दिन पे गई थी पुरी में। एंड ऑनेस्टली बीच में मेरी फर्स्ट टाइम विजिट है। मैं ना हमेशा से पहाड़ प्रेफर करती हूँ घूमने के लिए, कभी भी कहीं भी प्लान होता है तो आई एम द पहाड़ पर्सन। बट आई इन्जॉयड अ लॉट हेयर, मतलब रात के टाइम पे एक ऐसा व्यू, I was in heaven to be very honest. So yes, there are a lot of options for seafood lovers, क्योंकि आपको बहुत सारे variety of fish और crabs, prawns मिलेगी, including pomfret fish जो कि मुझे बहुत ज़्यादा tasty लगता है। And you will get everything so fresh, like आपके सामने ही वो fresh बना के फिर serve करेंगे। तो मैं end में एक photo add कर दूँगी, तो आपको मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।